सबको मेरा नमस्कार। पता नहीं इस मिट्टी ने कितनों को हंसाया है, कितनों को रुलाया है, कितनी की जानें ली हैं, कितनों को खुशियां दी हैं। इस मिट्टी के महान योद्धाओं में से एक महान योद्धा हैं बख्शी जगबंधु जी। चलिए आज उनके बारे में जानते हैं। उनका पूरा नाम बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरे था। वह भोई वंशज के प्रथम राजा गोविंद विद्याधर के मंत्री दनई विद्याधर के अष्टम वंशज थे। जगबंधु विद्याधर उनके पूर्व पुरुष से बख्शी उपाधि लेकर खोरदा राजा के सेनापति के रूप में अपना दायित्व ग्रहण किए। राजा के बाद वही प्रमुख थे, इसीलिए उनके परिवार के लिए भूमि और बहुत सारी जरूरत वाली सुविधाओं के साथ उन्हें ररंग चिल्ला की जमींदारी भी दी गई। उनके संबंध शेरगढ़ और भंबंडा में वैवाहिक संबंध थे। वो एक बहुत उच्च वंशज के थे। 200 साल पहले 1804 में ब्रिटिश सैनिकों ने खोरदा के बरुणई किले के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने खोरदा के राजा मुकुंद देव को गद्दी से उतार दिया और उनको मुख्य राजनीतिक सलाहकार जय राजगुरु जी के साथ गिरफ्तार कर लिया। बहुत फर्जी कोशिशों के बाद जब वो कुछ ना कर सके तो उन्होंने जय राजगुरु जी को एक पीपल में पेड़ में बांध कर दो हिस्से में काटकर उनकी मृत्यु कर दी। उसके बाद उन्होंने मुकुंद देव को छोड़ दिया, बट उन्हें खोरदा में रहने की कहा गया, खोरदा के बदले पुरी में रहने के लिए कहा गया और उन्हें पुरी मंदिर की जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद उन्होंने पाइकों से उनकी जमीन भी ले ली और चिलिका लेक से जब जो वो नमक निकालते थे वो भी उन्हें निकालने से मना कर दिया गया और कर जो कि वो कोड़ी में लेते थे उन्होंने उसके बदले भू राजस्व की मांग की। इस वजह से पाइक बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने विपक्षी जगबंधु के नेतृत्व में अपना आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने एक गणनात्मक षड्यंत्र के माध्यम से बख्शी जगबंधु के कब्जे से रोडम के मूल्यवान संपत्ति को भी ले लिया। वर्ष 1817 में घुमुशर राजा श्रीकर वांजा के लगभग 400 सहस्र और वफादार आदिवासी प्रजा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उठे और जबरन बानापुर क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि राजा के ब्रिटिश शासकों द्वारा जेल में बंद कर दिए गए थे। यह बख्शी जगबंधु के लिए एक सुनहरा अवसर था जिन्होंने पाइको सेना के साथ बानापुर की ओर कूच किया। खोरदा के सभी दलाई दलबेहड़ा और पाइको सरदार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और उन्हें खोरदा की धरती से बाहर निकालने के स्थान चुके थे। पाइक ने वानापुर पुलिस स्टेशन और अन्य सरकारी भवनों में आग लगा दी और पुलिस के वरिष्ठ समर्थकों को मार डाला और सरकार को लूट लिया। वानापुर में तैनात ब्रिटिश नमक एजेंट श्री बेटचर चिलिका में अपने वाणिज्यिक जहाज के पीछे छोड़कर मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसे पाइकों की लूट लिया गया। जो अंग्रेज खोरदा में थे वह अपने जीवन के डर से कटक के लिए रवाना हो गए और उन्हें वानापुर से पाइक सेना के खोरदा की ओर मार्च करने की सूचना मिली। विद्रोह पाइक सेना वानापुर से खोरदा की ओर बढ़ चली। पाइकों के विद्रोह नेताओं ने खोरदा के राठीपुर गांव के ब्रिटिश समर्थक और गद्दार चरण पटनायक की ब्रह्मी से हत्या कर दी। पंचंडा और बेलगड़ा सहित खोरदा के सभी हिस्सों में विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। खुफिया जानकारी से गुप्त समाचार प्राप्त करते हुए अंग्रेज मजिस्ट्रेट श्री इम्पे ने विद्रोह के कुचलने के लिए लेफ्टिनेंट फ्रेडॉक्स को खोरदा और लेफ्टिनेंट फ्रेडॉक्स की पिपली भेजा। अप्रैल 1817 के मजिस्ट्रेट इम्पे लेफ्टिनेंट ट्रेविस और कुछ अंग्रेजी सैनिक के साथ खोरदा के पास गंगापड़ा पहुंचे और विद्रोह पाइकों के विस्तृत सैन्य तैयारी के देखकर डर से कटक वापस लौट गए और अपने तत्काल अधिकारी को रिपोर्ट किया। लेफ्टिनेंट फारेस ने गंगापड़ा में विद्रोही पाइकों द्वारा मार दिया गया था और लेफ्टिनेंट फ्रेडॉक्स के
खोरदास को कटक के लिए छोड़ दिया था, जब बख्शी जगबंधु से सक्षम नेतृत्व में पाइक द्वारा उस पर हमला किया गया था। गंगपदपुर में राजा बलभद्रदेव क्षत्रिय 7 अप्रैल 1817 को पीपली पर केंद्रीय के कब्जे के बाद विद्रोह में शामिल हो गए थे। कैप्टन वॉलिंगटन को पूरी शहर को केंद्रीय कार्य के कब्जे से बचाने और राजा मुकुंद देव को गतिविधियों के जानने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। 9 अप्रैल 1817 को कैप्टन ले फेवर ने 550 सिपाहियों को साथ मार्च किया और बिना किसी प्रतिरोध के खोरदा पर फिर से कब्जा कर लिया। उस दिन बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पाइकों ने पूरी में प्रवेश किया और सरकारी न्यायालय भवन आदि को जला डाला। अंग्रेज डर के मारे पूरी और को छोड़कर कटक चले गए। जगन्नाथ मंदिर के सेवायत और पंडों से सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ओडिशा ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए। खोरदा के शासक के रूप में राजा मुकुंदेव फिर से स्थापित करने के लिए आए बख्शी जगबंधु ने बड़ी संख्या में पाइकों के साथ श्रीनहार पुरी में राज से मुलाकात की, लेकिन बख्शी जगबंधु के प्रस्ताव से सहमत होने की बजाय परेशान राजा ने एक गुप्त पत्र से माध्यम से ब्रिटिश शासकों से सैन्य मदद मांगी। मेजर जनरल गैब्रियल मैट्रिडियल को 15 अप्रैल 1817 को सैन्य आयुक्त से रूप में नियुक्त किया गया। कैप्टन ले फेवर खुर्दो से पूरी और राजा मुकुंदेव डिवेल को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 1817 को बंदी बना लिया गया। मेजर हैमिल्टन देव द्वितीय और अनेक बेटों को साथ गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए कड़े उपायों के बावजूद विद्रोह ने विशाल रूप ले लिया और गोप तिरंगा कुंजन पटामुंडिया और अश्वेत क्षेत्र में फैल गया। बख्शी जगबंधु के कुशल नेतृत्व में पाइकों ने ब्रिटिश समर्थकों का सप्तिया और लूट लिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। गोप क्षेत्र के करुणाकर सरदार के नेतृत्व में पाइकों ने हमला कर पुलिस को खदेड़ दिया। कैप्टन फेजूल को वहां की बगाहत का कुचलना था। कुंजगा क्षेत्र में राजा मधुसूदन सैंधे के गुप्त रूप से किया गया था पाइकों की मदद की। उसके बाद मधुसूदन मरगज वमदेव पटाजोशी एंड नारायण परमुख को उनके लीडर बनाए गए। 30 नवंबर 1817 को राजा मुकुंदेव द्वितीय को जेल के अंदर मृत्यु हो गई। कुंजगा के राजा के अंग्रेज को मुक्त कर दिया क्योंकि उन्हें उनका सामने आत्मसमर्पण कर दिया और ब्रिटिश सरकार की मदद की विद्रोह नेताओं के पकड़ने में। हालांकि कोई विद्रोह नेता को सही समाधान दिया गया था, लेकिन बख्शी जगबंधु कृष्णचंद्र विद्याधर गोपाल छोत्रे पितावस महाराज अदर्शय विष्णु प्रक्रिया और पिंडी की बाहुबलेंद्र को इससे बाहर रखा गया था। उन्हें मृत या जीवित पकड़ने के लिए उनके नाम पर पुरस्कार घोषित किया गया। 123 पाइकों नेताओं के समूह द्वीपों को निर्विष्ट किया गया। कुंजगा के बामदेव पट्टा जोशी और नारायण प्रमुख को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और गद्दार चरण पटनायक को हत्यारे परशुराम राव की मौत की सजा दी गई। पाइक विद्रोह के मुख्य वास्तुकार बख्शी जगबंधु खोरदा को छोड़कर घुमशेर के जंगलों में चले गए। ब्रिगेडियर जनरल थामसे ने घुमशेर के कांधा आदिवासियों गांव में बख्शी जगबंधु की मौजूदगी का गुप्त सूचना प्राप्त करने के बाद अचानक तलाशी अभियान चलाया और झलके का घेराव किया, लेकिन बख्शी को गिरफ्तार करने के अपने प्रयास में असफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने निरंतर विफलता के कारण
बक्सी जगबंधु को गिरफ्तार करने में वरिष्ठ आयुक्त के अधिकारी असफल रहे, लेकिन इस घोषणा का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि बक्सी जगबंधु को अंग्रेजों की बातों पर गतिविधियां पर बहुत ही कम भरोसा था। बख्शी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने वर्ष 1819 में बख्शी जगबंधु की दो पत्नियां, उनके नाबालिग बेटे और उनके गुमास्ता, उनके घर में जो काम करते थे, उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन ब्रिटिश शासकों की ऐसी रणनीति से भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने उनके परिवार वालों को छोड़ दिया। अंत में ब्रिटिश कमिश्नर टी पाकने में बख्शी जगबंधु को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने के लिए नयागढ़ के राजा को एक पत्र भेजा। ब्रिटिश सरकार बख्शी के आत्मसमर्पण के लिए कुछ शर्त रखी। उनके आत्मसमर्पण के मामले में सरकार ने यह कहा कि वह भरण पोषण के लिए 150 रुपए मासिक पेंशन देंगे, और अबाध्य थे वो, यह अपने परिवार के सदस्यों के साथ कटक में रहेंगे। बख्शी के पास ब्रिटिश कमिश्नर के पूर्व अनुमति होगी, जैसे कि उपरोक्त चर्चा में कुछ भी अपजंता नहीं था। नयागढ़ के राजा ने बख्शी जगबंधु को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। 25 मई 1825 में बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश शासकों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और अपने परिवार के साथ कटक में रहने लगे। 24 जनवरी 1829 को बख्शी जगबंधु ने अपना अंतिम निश्वास लिया और वह हम सबको छोड़कर चले गए। यह स्वतंत्र की और एक सफल आंदोलन न हो, लेकिन इनसे भविष्य की कई स्वतंत्र आंदोलन को मार्ग दिखाया। ब्रिटिश शासक का एक समय में पाइक विद्रोह स्वतंत्रता की और प्रकाश के किरण बनकर आए। ये सब चीजें एक ऐसे व्यक्ति की संकल्प के कारण हुआ जो ना झुकना चाहते थे ना रुकना चाहते थे। देश के गौरव एक सच्चे योद्धा और मातृभूमि के सच्चे सुपुत्र को सलाम।